प्रोग्राम आपके गांव इक्रामनगर में कराया जा रहा है। इसके ऑडियो एवं वीडियो रिकॉर्डिंग करता श्रीमान पंडित रोहतास जनूतर राजस्थान से, और जो ढोलक पर संगति कर रहे हैं आदरणीय सुरेंद्र सिंह नगला पछांदरा जनूतर से, और जो झीका की झनकार आप सुन रहे हैं बड़े भाई मुरारी सिंह नगला देविया गोवर्धन से, आपके सामने चिकड़ी भजन का कलाकार चौधरी विमलेश गांव सैनपुर जिला हाथरस से, और मंच संचालन करता आपके लाडले आपके बेटे आपके क्षेत्र के कलाकार श्रीमान महावीर सिंह चाहर जेंगारा से। आइएगा सुनिएगा चिकड़ी भजनों का धार्मिक प्रोग्राम। परमादरणीय सज्जनों, यहां पर बैठी सभी सरदारी, बाहर से आए सभी आगंतुक महानुभाव, मंचासीन सभी अतिथिगण, आदरणीय पंच कमेटी, मेरी आवाज को सुनते ही गंगा यमुना के जैसे पवित्र इस धरती का श्रृंगार मेरी आशक्ति यानी कि मेरी मातृशक्ति मेरी माता बहनाएं सभी के लिए सर्वप्रथम चौधरी विमलेश की तरफ से हाथ जोड़ करके नमामि नमस्कार व प्यार भरा राम राम है राम राम जी। आदरणीय सज्जनों, आप ही की बच्ची हूं, कोई इतनी बड़ी खास कलाकार नहीं जो कि आपके इस कमल रूपी हृदय को गदगद कर सकूं, खुशी से खिला सकूं या प्रफुल्लित कर सकूं, रोमांचित कर सकूं, लेकिन जो भी मेरे मुख से शब्द निकले उन्हें कृपया ध्यान से मन लगाकर शांति से प्रेम पूर्वक सुनिएगा। आप जैसे बुद्धिजीवियों ने लिख दिया है चार लाइनों में, और चाचा जी कहना है क्या, कि राग वही जामी राम बसे और ध्यान वही जो धनी के धरे को, कि तेरी वही पत संग जले और पुत्र वही जो पिता के कहे को, कि सूर्य वही जो रण से नाटे और भैया वही जो की गहे को, कि मतलब के यार अनेक बने पर यार वही जो विपदे परे को। जितने भी श्रोतागण यहां बैठे हुए हैं सभी से एक बार हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करती हूं, एक बार सभी जोर से जयकारा लगाएंगे अपनी जिभ्या को पवित्र करते हुए, बोलिए मां के बिहारी लाल की। जैसा कि आदरणीय सज्जनों आप सभी आगामी कलाकारों को सुनते आ रहे हैं, बताते हैं झिकड़ी का मेन पॉइंट, झिकड़ी की मां, झिकड़ी की जननी, झिकड़ी की मेन धुरी साखी हुआ करती है। आइएगा सुनिएगा साखी। एक समय की बात, सतभामा भगवान श्री कृष्ण के चरण दबा रही थी। इधर सतभामा ने कहा, स्वामी इस संसार के अंदर मुझे अपने से ज्यादा अधिक सुंदर स्त्री कोई नहीं दिखती। भगवान ने कहा, सतभामा तू बड़ी पगली है बड़ी भोली है, अरे मैं त्रेता में राम था और मेरी अर्धांगिनी सीता जी वो तुमसे भी अधिक सुंदर थी।
सतवा माने का स्वामी सुंदर तो होगी लेकिन मुझसे अधिक सुंदर नहीं होगी। भगवान मुस्करा गए, कहने लगे सतभामा सुनिए कि जब से रच दई ये सृष्टि विधाता, क्या कहा, जब से रच दई ये सृष्टि विधाता एक अटल सत्य बड़ भारी है और एक नार को देख खुशी भाई कबो न दूजी नारी है कि सूरत और श्रृंगार, क्या कहा, अरे सूरत और श्रृंगार नारी को खुद कोई लग रो प्यारो और मुस्काए गयो बंसी। आहा सजनो सुनिएगा, इधर जब इतने शब्दों को कहा भगवान श्री कृष्ण ने, इधर सतवामा किस तरीके से भगवान से कहने लगी भरिया जी क्या मन की बात बता दे, क्यों हेरे मेरे भरतार, ओ मेरे भरतार क्यों और चर्चा सब रा बहुत अच्छे हमारे का स्वामी त्योहारी में अलवेली नार हो, क्या बात है चाचा जी, क्यों हो त्योहारी में अलवेली नारे करो विचार रे सतभामा और ऐसे के लाई हो, और जैसे कि हमारे महावीर सिंह मामा जी कह रहे थे कि पैसन की चिंता मत करो मामा जी, मैं हूं तुम्हारी बांझी हूं, मोकू तो बिल्कुल मत दो, लेकिन मैं ये चाहूंगी कि जो राजस्थान से कलाकार यहां हमारे यहां इतनी दूर चल करके आए हैं सभी का सम्मान और प्यार दें सभी को, उसी में मेरा सम्मान है, तो चाचा जी कहना है क्या, श्रीमान प्रताप सिंह जी नगला केहरी वाले देते हैं आशीर्वाद की कामना करते हैं, और ये 500 रुपए का पुरस्कार श्रीमान राकेश चाहर मशेलिया निवासी देते हैं, और 51 का पुरस्कार आदरणीय ताऊ जी देते हैं आशीर्वाद की कामना करते हैं, कहना चाचा जी क्यों, अरे का है तू पड़ी रहे कोरी ही कीता, तुम राम नाव में तिहारी सीता, अरे नाई तुम राम नाव में तिहारी सीता, लेकिन चाचा जी क्या कहा, अरे जासी ताकी कर
सबसे सुंदर है सत भामा, लेकिन क्या कहा भैया जी, क्यों? अरे तुमसे बंधी प्रीत की डोरी हो, क्यों? क्या बात है रोहतास भैया, आपका जवाब नहीं है, क्यों? क्या कहा? अरे तुमसे बंधी प्रीत की डोरी, क्यों? अरे हम तुम दोनों चंद्र चकोरी, अरे हम तुम दोनों चंद्र चकोरी, लेकिन क्या कहा भैया जी, क्यों? पिया बात कहूं तो तू, क्यों? अरे काहे चर्चा, और इसी बीच एक का पुरस्कार श्रीमान युवा संगठन मशेरे निवासी देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्यों? क्या कहा? अरे काहे चर्चा करो औरन की, चाचा जी कोई मोते ज्यादा ना है बलू, दामोदरी रशिया की झलक और साखी से मिलान, चाचा जी। अरे लूट लिया तैने सत्यवादी, कहना है अरे लूट लिया तैने सत्यवादी, क्यों? सत्यवादी लूट लिया तैने सत्यवाद, क्या बात है? अरे लूट लिया तैने सत्यवाद, हाँ जी, ये तो हुई शाखी और सिर्फ यह सौ रुपये का पुरस्कार श्रीमान युवा संगठन मशेले वाले, और इसी बीच ये 500 का पुरस्कार श्रीमान थान सिंह प्रधान जी जेंगारे निवासी देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आशीर्वाद की कामना करते हैं, और इसी बीच ये 500 का पुरस्कार श्रीमान अचल सिंह जी मशेले वाले देते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं, बसैया वाले, अच्छा जी बसैया वाले देते हैं। एक बार सभी से चाहूंगी कि जो भी ये हमारा सम्मान कर रहे हैं, सभी के लिए एक बार सभी जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आदरणीय सज्जनों, आइए चलते हैं एक अच्छे से प्रसंग की तरफ, गौर करिएगा, एक समय की बात, राजा हरिचंद शिकार खेलने के लिए एक बियाबान जंगल में आ जाते हैं, उसी जंगल में भोले शंकर जी और मां पार्वती दोनों भ्रमण करने के लिए आ गए। जवाब दिया अर्थ में कि बाई बनीते घूमत घूमत, चाचा जी बाई बनीते
घूमत घूमत रहे सिविपा रवती जाई है और हरिचंद को देख सामने ऐसे लवज सुनाई है। अरे धर्मवीर और करमवीर में क्या कहा कि धर्मवीर और करमवीर में दया वीर सो ज्ञानी और यतदान में अच्छो दानी। आहा सजनों माँ पार्वती ने इतने शब्दों को सुना कहने लगी स्वामी हे प्राणनाथ कि बहुत देर से सुन रही मैं। क्या कहा कि बहुत देर से सुन रही मैं और गाथा रहे तुम गाय। अरे मिले इजाजत आज मोए मैं लऊ भूप अज माय कि सम्म कहे तू सुन ले गोरा। क्या कहा भोलेनाथ जी हंस गए और कहने लगे पार्वती सम्म कहे तू सुन ले गोरा और पूरी कर ले इच्छा है और जैसी चाहे तू हरिचंद की ले ले आज परीक्षा कि गोरा कहे ये सफल हो तो हे प्राणनाथ गोरा कहे ये सफल हो तो वरदान दो सुन अर्जी और न श्राप दो मेरे मर्जी। आहा सजनो इधर भोले शंकर जी माँ पार्वती को आज्ञा दे देते हैं। माँ पार्वती अपना रूप बदल करके अपना भेष बदल करके राजा हरिचंद की परीक्षा लेने जा रही हैं और चाचा जी वो रूप कैसा है क्या वर्णन किया है। क्यों हेरे धरे चंडालन को और भेष बिखरी रहे राजी और केस रूप अति बड़ो हेरे सोनक सोन जबई है चा जो देख लिया को मोड़ो बना करके और वहां जाकर के क्या करने लगी चाचा जी जो भाई तीन और ये हीन लकड़िया पीन रही फल पत्ता कौन भाई तीन और ये हीन लकड़िया पीन रही फल पत्ता और जर जर है रो या जी और जर जर है रो कांति बदन के फटी रहे कपड़ा लाता जर जर है रो कांति बदन के फटी रहे कपड़ा लाता। क्या बात है लेकिन सुनिएगा गौर करिएगा आपका जो ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आपके लाडले आपके भाई आपके बेटे ने कराया है श्रीमान भूपेंद्र सिंह जी ने। आज उनकी वजह से हमें फिर से एक बार आप सभी महान मूर्तियों के दर्शन हुए। सुनिएगा कहना है और दो लाइनों में लिख दिया चाचा जी क्या क्यों जिकड़ी करवाए रहे भूपेंद्र या जी आज उन्होंने हमें देखा था जेंगारे में गाते हुए और फिर उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि हम भी जिकड़ी करवाएंगे और देखो कितना अच्छा समय क्या सभी का मिलन करवाया है। आप सभी ये ना समझिएगा कि हम किसी प्रत्याशी के बारे में कह रहे हैं केवल उनके सानिध्य में ये प्रोग्राम हो रहा है उस चीज को नजर में रखते हुए हम ये दो लाइन उनके लिए गा रहे हैं चाचा जी क्यों जिकड़ी करवाए रहे भूपेंद्र या जी जिकड़ी करवाए रहे भूपेंद्र
जनता के नैनन तार है भैया जी, जिकड़ी करवा रे भूपेंद्र, जनता के नैनन तार है। और अरे कर्मठ शिक्षित कौन, ऐसा लगता है इनको देख करके कितने भोले हैं, और वास्तविक हमने जो देखा वही पाया है भैया जी। अरे कर्मठ शिक्षित योगी लगे ये मन के भोरे भारे हैं, कर्मठ शिक्षित योगी लगे ये सब जनता के प्यारे हैं। लेकिन मेरा आप सभी से निवेदन कि आपके इस क्षेत्र का विकास करने वाला, चौमुखी विकास करने वाला एक ऐसा इंसान होना चाहिए। और भैया जी कैसे, और इसी बीच ये 500 रुपए का आशीर्वाद बड़े भाई भूपेंद्र जी देते हैं। एक बार चाहूंगी कि अपने लाड़ले को जोरदार ताली के साथ प्यार दीजिएगा। अरे ताली तो बजा दो। क्यों, अरे ऐसा कोई प्रधान बनाओ, क्यों, अरे ऐसा कोई प्रधान बनाओ और काम करे वो न्यारे है। चाचा जी क्यों, और चाहूंगी अपने बेटे को केवल आशीर्वाद दीजिएगा, कहना क्यों। कहना है प्रधान बनेगा वो पक्को, इनकी नहीं कह रही, कौन बनेगा गौर करिएगा। प्रधान बनेगा वो पक्को जाके संग मुरलिया, प्रधान बनेगा वो पक्को जाके संग बंसी बारो है, प्रधान बनेगा वो पक्को जाके संग में बंसी बारो है। हाँ जी, गौर करेगा प्रसंग की तरफ। धर्मा पार्वती पियावान जंगल में एक एक लकड़ी को खट्टा करने लगी कि हाथ पाम जाके शबरे कांपे। भैया जी हाथ पाम जाके शबरे कांपे, और है गई बहुत उमरिया है और भारी भरकम बोझ बांधे अन भर लई आज कठरिया है, कि पहले ना कोई पढ़ के देखे। भैया जी अरे पहले ना कोई पढ़ के देखे, और जो भी दिना को लेख्यो और यानि राजा आमद देख्यो। आहादरणी सज्जनो, उस बुढ़िया ने एक एक लकड़ी को बीन करके एक बड़ा सा गट्ठर बना लिया। राजा हरिचंद को आते हुए देखा, सुनिएगा, अपने उस बोझ को उठाने लगी, लेकिन बोझ उठाया नहीं जाता है। चाचा जी कैसे, क्या जवाब दिया। अरे या की एक कऊ अकाले चले नहीं, क्या बात है भैया जी, क्यों। अरे या की एक कऊ अकाले चले नहीं, या की गठरी शीश धरे श्रीमान प्रमुख जी अकोला वाले 2100 रुपए का पुरस्कार देते, एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिएगा। क्यों, क्यों, यकीन है कऊ पैसे पर नहीं, क्या बात है चाचा जी, क्यों, यकीन है कऊ पैसे पर नहीं, या पतली बारी बोझ लेना, या पतली बारी
वचनो आज धर मा पार्वती यानी कौन वो बुढ़िया मन में विचार कर रही है सोच रही है अर्थ में जवाब दिया है कि कैसे इतनो बोझ उठेगा भैया जी अरे कैसे इतनो बोझ उठेगा मन चिंता लग रही गाड़ी है और आ मत देखो हरिचंदिया के आगे है गई ठाड़ी है कि हाथ जोड़ के चांडाले ने क्या किया हाथ जोड़ के चांडाले ने और ऐसे वचन उचारे और सुन राजा घोड़ा बारे हाँ सचिन सुनिएगा इधर उस बुढ़िया ने कहा हे राजन मेरे इस बोझ को जरा उठवा दीजिए इधर वो राजा पीछे मुड़कर देखता है उस बुढ़िया की हालत को देख करके अभिमान में आ जाता है और सुनिएगा वो बुढ़िया उस राजा से आग्रह कर रही है विनती कर रही है निवेदन कर रही है प्रार्थना कर रही है चाचा जी कैसे कहने लगे हे राजन मेरी बात पर गौर करिएगा कह रही बुढ़िया तू सुन ले राजा क्यों अरे कह रही बुढ़िया तू सुन ले राजा और इतनो काम हमारो है क्यों हेरे बोझ शीस पे हे राजन अरे बोझ शीस पे धरवाए दे तू दे दे तनक सहारो है क्या कहा हे राजन सुनिए क्यों अरे चोर लगा के देख लियो मैंने और बोझ उठे ना बारो है क्यों एहसान तू इतनो कर दियो कह लखन उबर के मारो है ऐसी बीच और चाचा जी दो लाइनों में लिख दिया क्या क्यों अरे बेटों का सम्मान जगत में क्यों कहते हैं अरे बेटों का सम्मान जगत में और बेटी का कोई मान नहीं क्यों अरे सुनने वालो अरे सुनने वालो तुम्हें पूछती बेटी क्या संतान नहीं सुनने वालो तुम्हें पूछती बेटी क्या संतान नहीं अर्शिवी चक्षक पुरस्कार श्रीमान मक्तू प्रधान जी चैकोरा वाले देते हैं आशीर्वाद की कामना करते हैं कहना है क्यों बेटा साथ तो छोड़ भी देगा क्यों बेटा साथ तो छोड़ भी देगा और बेटी साथ न छोड़ेगी क्यों और बेटी साथ जो छोड़ेगी चाचा जी अरे बेटी साथ जो छोड़ेगी तो कुल से नाता जोड़ेगी और तू जा कोई दान नहीं सुनने वालों
तुम्हें पूछती बेटी क्या संतान नहीं, सुनने वालों तुम्हें पूछती बेटी क्या संतान नहीं। हाँ जी, आज इधर उस बुढ़िया ने जब इतने शब्दों को कहा, एकदम से राजा हरिचंद ने इनकार कर देता है। अर्थ में जवाब दिया है चाचा जी कि पहल पत ही नट गयो राजा। क्यों? अरे पहल पत ही नट गयो राजा, ना तेरो बोझ उठाऊंगो और कितनी मौतें कहे बुढ़िया ना बोझ ते हाथ लगाऊंगो कि जितकु राजा बाज बढ़ावे। चाचा जी अरे जितकु राजा बाज बढ़ावे और ये इतकुई नपकू टोके और ये तो खेल भूप की रोके। आहा सजनों, बार बार वो बुढ़िया उस राजा को इशारा देती है, लेकिन अभिमान में आकर के राजा हरिचंद भूल गए, समझ नहीं पाए। सुनिएगा किस तरीके से आज बुढ़िया को ललकारने लगे और चाचा जी क्या जवाब दिया कैसे। जी क्या कहा? अरे लार बुढ़िया काहे को बनाए रही जाता लार। क्यों? अरे पैसू चलिया नहीं मोए दीखे। क्यों? अरे पैसू चलिया नहीं मोए दीखे। सुन काहे को बुढ़िया जी, और इसी बीच एक शब्द पुरस्कार बड़े भाई देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्यों? अरे नार काऊ मैं तर्क लग रही मोकू नार, अरे नार काऊ मैं तर्क लग रही मोकू नार। लेकिन अभिमान में आकर के राजा कहने लगा, और कैसे शब्द प्रयोग कर रहा है भैया जी, सुनेगा क्यों? छत्री तू सूत्र किनारी डोले अबला मारी मारी, डोले बुढ़िया मारी मारी। क्या बात है? क्यों? क्या किया राजा ने? अरे मार धक्का चाचा जी, लंगड़ा ढोला का झड़ाव और वो बुढ़िया धरनी में गिर जाती है, रोने लगी। और किस तरीके से सुराजा को जवाब दे रहे भैया जी, क्यों? ओहो मेरे भैया रे भैया जी, ओहो मेरे भैया रे, धक्का तो बुढ़िया नीचे गिरे।
क्यों चाचा जी क्या कहा? ओहो मेरे भैया रे टप टप आंसू जाके गिरी रहे, मेरे भैया रे टप टप आंसू जाके गिरी रहे। लेकिन सुबड़िया ने क्या कहा? अरे तो जेलनो जिस बुढ़िया ने कहा है राजन आज तूने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया है। सुन गौर करिएगा जिकड़ी की बारो मासी और वो बुढ़िया उस राजन को जवाब दे रही चाचा जी कैसे। हेरे तू राजा बलवान क्यों? हाँ हेरे तू राजा बलवान और मैं एक अबला नारी। अरे तो ताज को भयो अभिमान आज ते अकली कही है मारी। जवाब दिया कैसे? लवचना है खाली जावेगी, लवचना है खाली जावेगी, लवचना है खाली जावेगी, लवचना है खाली जावेगी। क्यों सुन मुर्दन की उड़े चिरान भूपतोए पास आवे। क्या कहा? मुर्दन की उड़े चिरान भूपतोए पास न आवेगी। करे तू भंगी कर बासो न करे तू भंगी कर बासो। और शिवी जी एक सौ का पुरस्कार श्रीमान टीकम प्रधान जी जयंगारा वाले देते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं। और एक सौ का पुरस्कार श्रीमान रघुवीर सिंह भगा देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आशीर्वाद की कामना करते हैं। कहना चाचा जी क्यों क्या कहा? क्यों करे तू भंगी कर बासो न करे तू भंगी कर बासो। सुन क्या कहा? करे तू भंगी कर बासो रे करे तू भंगी कर बासो। काय बैंक मिले ना अन्न रुपए ते पुनवा दौरासो। काय बैंक मिले ना अन्न रुपए ते पुनवा सजनों।
आज इधर उस बुढ़िया ने कहा, राजन आज मैं तुझे श्राप देती हूँ। इधर जैसे ही बोले शंकर जी को पता चला, सुनिएगा, माँ पार्वती को देखा गुस्से में, माँ पार्वती राजा हरिचंद को श्राप देने लगी। अर्थ में जवाब दिया है कि संकल्प श्राप को जल नहीं वापे। चाचा जी कि संकल्प श्राप को जल नहीं वापे, फिर आंसू ले लियो हाथन में और आग बरसती दिख रही जाके मुंह से निकली बातन में कि जौहर है कि परले है गई। भैया जी जौहर है कि परले है गई और वहां फटो गजब को गोला और फिर भग दिए बम बम भोला। आहा सजनो, माँ पार्वती के स्वरूप को देख करके भोले शंकर जी दौड़ करके आ जाते हैं। इधर राजा हरिचंद ने देखा माँ पार्वती जगत माँ जननी उसके सामने खड़ी है। भोले शंकर जी को देखते ही राजा हरिचंद माँ पार्वती के चरणों में गिर जाता है और सुनिएगा आराधना करने लगा, प्रार्थना करने लगा। भैया जी और कैसे, क्या कहा? अरे कह रहे हो राजा। और शिवी एक शक्ति पुरस्कार श्रीमान मुरारी सिंह चाहर जी देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या कहा? अरे कह रहे हो राजा और सुनी मेरी मैया और अनजाने में है गयो पाप। क्या कहा? अरे कह रहे हो राजा सुनी मेरी मैया अनजाने में है गयो पाप। कह रहे हो राजा सुनी मेरी मैया, चाचा जी अरे कह रहे हो राजा सुनी मेरी मैया अनजाने में है गयो पाप। क्यों? कहने लगा अरे छोड़ू हाथ पड़ू तेरे पैया उल्टो ले ले री मा, छोड़ू हाथ पड़ू तेरे पैया उल्टो ले ले री मा सा। अरे छोड़ू हाथ पड़ू तेरे जोड़ू हाथ परू तेरे पैया उल्टो ले ले सजनो। आज इधर उस राजा ने क्षमा मांगी लेकिन इधर माँ पार्वती श्राप दे चुकी थी। सुनिएगा उड़ान में जवाब दिया है और चाचा जी कहना है क्या? सोजी और सुनो महाराज। क्यों? माँ पार्वती ने कहा श्राप छे महीना को होए गो, श्राप छे महीना को होने जा रहा है और चाचा जी कहना है
ये तो हुई कड़ी का समापन और सुनेगा छोटा सा गाना। आदरणीय सज्जनों, आरसीबी अध्यक्ष का पुरस्कार श्रीमान चेतन चौहान जी देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आशीर्वाद की कामना करते हैं। हाँ जी, आप सभी ने सुना होगा। हाँ जी, सभी शांति बनाए रखे, कुछ समय की बात हो रहे है, गौर करिएगा। एक समय की बात, हाँ जी, एक साल पहले हमारे इस देश में एक आतंक फैला था और उस आतंक में न जाने हमारे कितने वीर शहीद हो गए। सुनेगा, हमारे देश के पीएम माननीय नरेंद्र मोदी जी का चैलेंज किसके लिए, पाकिस्तान का पीएम इमरान खान के लिए। और वो चैलेंज क्या है चाचा जी, कैसे? जो शहीद हुए पुलवामा में मेरे देश के वीर जवान, उनके लिए सर झुकाता है आज ये पूरा हिंदुस्तान। कहना है मोदी जी का इमरान खान के लिए, और भैया जी क्या अरे सुन ले तू इमरान खान तेरी, भैया जी कहना क्या, अरे सुन ले तू इमरान खान तेरी, और मैं तू नाम निशानी है क्यों, सुन ले तू इमरान खान तेरी, और मैं तू नाम निशानी है क्यों, देखूं तुम्हें कितना पानी है। आरसीबी चक्षण पुरस्कार श्रीमान सूरजवान सिंह जी चाहर देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आशीर्वाद की कामना करते हैं। क्या बात है, क्यों फंस गए मोदी के बंदा है, क्यों किन बाई तुम तारे चाचा जी, क्यों फंस गए मोदी के बंदा है, गिनो भाई तुम तारे चन्ना है, क्यों तू मत में है रहो अंधा है। अच्छा जी, कहना है क्यों तू मत में है रहो अंधा है, क्यों नहीं खोप हमारी जानी है, तू तो मैं कितना से रोक नहीं सकता। सुन, हमारे भारत देश पर नजर डाली तूने, लेकिन और भैया जी कहने लगे क्या, क्यों क्या कहा भैया जी, भारत की माटी चंदन है, इमरान खान हमारा भारत देश सोने की चिड़िया था, है और हमेशा रहेगा। हाँ जी ताऊ जी, क्या कहा,
भारत की माटी चंदन है, क्यों सब देश करें या कबंदन है, सुन तेरी छाती पर डोलो अभिनंदन है। कौन वो भारत माता का लाल वो वीर तेरे पाकिस्तान में गया, सुनिएगा उस वीर के लिए दो लाइनों में लिख दिया चाचा जी क्या, भावना अनन्य है, कौन भावना अनन्य है वो अभिनंदन धन्य है, ऐसा वीर अपने देश में जन्मा आज गर्व होता है इसका नाम सुन करके, कहना क्या है भावना अनन्य है वो अभिनंदन धन्य है, क्यों पाकिस्तान की सीमा में ढोल करके आ गया, पाकिस्तान की सीमा में ढोल करके आ गया, और क्या कहा बोला हो क्या निर्भय उस वीर ने जो हम लोग अपने हिंदुस्तान में रहकर नहीं कर सकते, उस वीर ने उस पाकिस्तान में जाकर के कर दिखाया, क्या कहा बोला हो क्या निर्भय है। और मैं चाहूंगी यहां पर बैठी हूं सरदारी, अगर जो सच्चे हिंदुस्तानी होंगे तो बोलेंगे जो सुबीर ने पाकिस्तान में बोला, और जो पाकिस्तानी बैठे वो नहीं बोले, क्या कहा बोला हो क्या निर्भय है, बोलिए भारत माता की, क्या कहा बोला हो क्या निर्भय भारत माता की जय, क्यों चाचा जी बोला हो क्या निर्भय भारत माता की जय, और दुश्मन की ताकत को तोल करके आ गया, दुश्मन की ताकत को तोल करके आ गया, क्यों पीछे थी टोलियां उस वीर के पीछे पाकिस्तान की टोली थी, लेकिन हिम्मत नहीं आ रहा, एक एक सबूत को उस पानी में मिला दिया, क्योंकि एक सच्चा देशभक्त था, क्यों पीछे थी टोलियां फिर भी चली गोलियां, चाचा जी पीछे थी टोलियां फिर भी चली गोलियां, लेकिन क्या किया सिर देखो सीना को खोल करके आ गया, सिर देखो सीना को खोल करके आ गया, क्या बात है? लेकिन क्या किया अनबन शान में उस वीर ने अपने देश की शान को रखते हुए क्या कहा अनबन शान में और घुस के पाकिस्तान में, भैया जी अनबन शान में और घुस के पाकिस्तान में, क्यों हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल करके आ गया, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल करके आ गया, इसलिए मोदी जी ने कहा इमरान खान सुन भारत की माटी चंदन है, इस देश में आने के लिए हर देश के लोग प्रयास करते हैं, सुन क्यों भारत की माटी चंदन है, और सब देश करें या कबंदन है, क्यों तेरी छाती पर डोलो अभिनंदन है, क्यों तेरी छाती पर डोलो अभिनंदन है, और तनि खूब करी में मानी है दे तू तो में कितनो पानी है, सुन ले तू इमरान खान तेरी मैं ढूंढा निशानी है दे तू तो में कितनो पानी है, और लास्ट बंद में क्या किया सुबीर ने इधर वो वीर वापिस आया, लेकिन मोदी जी का कहना इमरान खान के लिए इमरान खान सुन तेरे लिए मैंने एक ऐसी जगह चुनी है जो कोई नहीं चुन सकता, सुन और वो जगह कौन सी है क्यों क्या कहा मैंने कब्र पाक की खो दी है, इमरान खान केवल तेरे लिए नहीं पूरे पाकिस्तान के लिए सुन मैंने कब्र पाक की खो दी है, क्यों
मेरा नाम नरेंद्र। क्या कहा? मैंने कब्र पाक की खो दी है। क्यों? मेरा नाम नरेंद्र मोदी है। सुन, तेरे कर दिया पस्त विरोध है। चाचा जी, क्या कहा? तेरे कर दिया पस्त विरोधी है। और मैं चाहूंगी ये गाना जिस कवि ने लिखा है उसके लिए तालियों का प्यार। वो कलाकार, वो कवि आपके बीच में ही है, राजस्थान से चलकर आए। सुनिएगा एक बार जरूर, उनके लिए तालियों का प्यार देना। क्यों? कहना है, मैंने कब्र पाक की खो दी है, मेरा नाम नरेंद्र मोदी है। चाचा जी, तेरे कर दिया पस्त विरोधी है। और स्पीर का नाम, तेरे कर दिया पस्त विरोधी है। क्यों? कहते तेज सिंह राजस्थानी है।